Hello students, welcome to Anatalk Classes, One Step Ahead for Learning, where we help you to achieve your goals. Students, हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की. आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रिएक्शन लेंगे सैंडमैन रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन. आज की हम वीडियो में क्या है, दोनों दो रिएक्शन को हमने कंबाइन किया है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया है क्योंकि दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है. दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपका कैटलिस्ट का डिफरेंस है, आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है. तो दोनों रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको दोनों रिएक्शन में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं. सैंडमैन रिएक्शन में क्या होगा, जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, मीन CuCl एंड HCl, CuBr एंड HBr एंड CuCN एंड KCN. तो इन तीनों के साथ रिएक्शन कराने से हमें जब अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, कौन कौन से, CuCl के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है, जब हम CuBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मिलता है, और ऐसे ही जब हम CuCN और KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजोनाइट्राइड मिलता है. सिमिलर कंपाउंड्स हमें मिलते हैं गटरमैन रिएक्शन में, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मैंने रिएक्शन नोट की हुई है. लेकिन डिफरेंस कहां पर है, यहां पर हमने CuCN, CuCl, CuBr एंड CuCN यूज किया है, यहां पर हम कॉपर के कंपाउंड्स ना लेकर कॉपर पाउडर यूज करेंगे. दोनों रिएक्शन में केवल यही डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शंस में जो मैंने कैटलिस्ट नोट किया है बस वो डिफरेंट है. यहाँ पर मैंने N2Cl को ओपन करके नोट किया है, यहाँ क्लोज करके नोट किया है. आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग नोट किया है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों रिएक्शंस में आई होप डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा. लेकिन दोनों में रिएक्टेंट्स हमारे सेम है, प्रोडक्ट्स भी सेम है. सैंडमैन रिएक्शन भी आपकी क्लोरो ब्रोमो और साइनोबेंजीन बनाने में यूज होती है. सिमिलरली गटरमैन भी आपकी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल बनाने में ही यूज होती है. तो आई होप आपको दोनों रिएक्शंस भी क्लियर हो चुके होंगे और दोनों के बीच में क्या कॉमन है वो भी क्लियर हो चुका होगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो चुका होगा. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी रिएक्शन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, hope you enjoyed the video. Thank you.